दोस्तों आज है दिन संडे का और शाम का वक्त हो रहा है, करीब 6 बज चुका है। सूरज बस अस्त होने वाला है, यानी डूबने वाला है। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सिलवासा शहर का रिवर फ्रंट, जो कि पिछले 1 से 1.5 साल से बन रहा है और बनता ही जा रहा है। उद्घाटन कब होगा हमको मालूम नहीं है, तो सोच रहे हैं पहले ही आपको दिखा दिया जाए, उद्घाटन के बाद दोबारा दिखाएंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहो और आपको सिलवासा शहर घूमने को मिलता रहेगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं। तो पहले मैं आपको इधर से क्रॉस करके दिखाता हूँ कैसा है रिवर फ्रंट ऊपर से। ये एंट्री है जो बंद कर दी गई है फिलहाल, और मेरे लेफ्ट में रिवर फ्रंट। पूरा दमनगंगा है ये। तो अभी फिलहाल चढ़ने का तरीका यही है, दोस्तों ये था रिवर फ्रंट है, मतलब था नहीं है। और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पीछे आप देख सकते हो पूरा ये ऊपर जो है रोड है, पूरी रोड उस तरफ जा रही है। और उस रोड के ऊपर ही इन्होंने साइड में रिवर फ्रंट बनाया हुआ है। ये है दमनगंगा रिवर, सनसेट होते हुए बहुत ही मस्त नज़ारा है। और शाम को अगर आप आओगे इधर तो काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे पीछे आप देखो, बिल्कुल लगेगा ही कि नहीं कि आप कहीं पे इंडिया के अंदर खड़े हो। वैसे हम लोग गलत तरीके से ये बोलते हैं, इंडिया के अंदर खड़े हो, मतलब इंडिया कभी साफ़ ही नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी चीज़ें बदल रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ सुधार हो गया है। मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, लेकिन नज़ारा दिखाने के लिए मैं ऐसा किया आपके साथ कि आपको लगे कि क्या चीज़ बनी हुई है। ये है पूरा पीछे की, तो ये नज़ारा कुछ ऐसा सा। यहाँ पे है एक्सरसाइज पार्क, जो ऊपर आप पेड़ के पीछे देख रहे हैं वो पार्क है पूरा। उस पार्क पे लोग आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और सब कुछ मैनुअल एक्सरसाइजर लगे हुए हैं, जैसे कि बॉम्बे में काफ़ी लोगों ने देखा होगा मरीन ड्राइव वगैरह पे एक्सरसाइज कर लोग करते थे। और ये अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है साइड में, ये पार्क बनाएंगे, लोग उतर के आ रहे हैं ऊपर से। तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन वाला फेज़ है पूरा, इस तरीके से बैठने के लिए बनाया हुआ है। ये दोनों ब्रिज हैं, इस ब्रिज के पीछे, ब्रिज के बीच का गैप। ये है इसकी मीटर, जब यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो पानी बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद इस मीटर से आप देख सकते हो। नज़ारा आप देखिए मेरे सामने, मतलब अगर कैमरा सच में अच्छा दिखा रहा है फिलहाल, मतलब बहुत जगह होता है कैमरा जस्टिस नहीं करता है, लेकिन वास्तव में मतलब इसमें मैं कुछ भी एडिटिंग नहीं करूँगा, ये बिल्कुल रॉ वीडियो मैं डायरेक्ट आपको दिखा रहा हूँ, और कोई एडिटिंग मैंने इस पर नहीं करी है। और अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं आपसे वादा करता हूँ इस पर कोई एडिटिंग ना ही मैं करूँगा, और ये आपको बिल्कुल ऐसे का फ्रेश मिलेगा। तो ये लहरें हैं, ज़बरदस्त नज़ारा है। सिलवासा एक ऐसा शहर है जहाँ की
मैं आपको बताता हूँ अपने बारे में थोड़ा सा इसी नज़ारे के साथ, कि क्योंकि मैं फ्रंट में आऊँगा तो फिर आप कहोगे नज़ारा देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आप इसी नज़ारे को देखो और मेरी बात सुनो। सिलवासा शहर जब मैं आया था तो थोड़ा सा मेरा मन जो था कि क्या होगा, क्योंकि मैं मुंबई से शहर में आया था और बहुत बड़ा शहर नहीं है, मात्र आबादी जो है 1 लाख या 2 लाख की होगी और ज़्यादातर आउटसाइडर हैं, माइग्रेटर बोलते हैं या क्या बोलते हैं, जो बाहर के लोग आके यहाँ पे काम करते हैं क्योंकि ये इंडस्ट्रियल टाउन है। साथ में नेचुरल ब्यूटी भी है क्योंकि वर्ली ट्राइब्स का ये एक इलाका है, तो पैसा बहुत है और आबादी उतनी है नहीं, जगह बहुत है और बहुत अच्छे से डेवलप किया है इन्होंने, धीमे धीमे डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, पूरा रिवर फ्रंट जो देख रहे हैं आप, ये कुछ मुश्किल से 1-1.5 साल के अंदर बन गया है, पूरा फाइनल अभी नहीं हुआ है, फाइनल होने में अभी कुछ समय है। तो बहुत ही सुंदर जगह है और आप कोशिश करो, आओ जरूर यहाँ पे। दोस्तों ये है मेरा वर्क स्टेशन जहाँ पे मैं काम करता हूँ घर पे और जहाँ पे वीडियो एडिट करता हूँ बैठ के। अभी मैंने इसको थोड़ा साफ़ किया, इसलिए खाली खाली दिख रहा है वरना हमेशा भरा रहता है। और ये रखा है हेलमेट, ये है ग्लूकॉन डी जो है गर्मी का आजकल साथी हमारा। तो ये कुछ टेबल है ऐसी। अब आप सोच रहे हो मैं इस टेबल को क्यों दिखा रहा हूँ और इस कंटेंट में, इस वीडियो कंटेंट में ऐसा क्या खास है जो मैं इसको अपने वीडियो में ऐड कर रहा हूँ। दोस्तों मेरे साथ है नितिन भाई, ये गुजरात के रहने वाले हैं, सिलवासा के रहने वाले हैं और वर्ली आर्ट बनाते हैं। बताइए वर्ली आर्ट के बारे में क्या है, मतलब थोड़ा। वर्ली आर्ट ऐसा है कि वो आदिवासी है, आदिवासी एकदम पेंटिंग बताए वो, और वो ये मिट्टी से बनता है, मिट्टी पे बनता है वर्ली आर्ट। और मिट्टी पे वो टेबल यहाँ पे है, टेबल देखिए, टेबल आपको दिखाता हूँ मैं, ये टेबल यहाँ पे बन रही है इस तरीके से। अभी पूरी अभी हम लोगों ने केवल इसे पेंटिंग करी है, बेस डिजाइन में आपको साथ साथ दिखाता भी चलूंगा कैसे ये बना रहे हैं और पूरा आप मजा लीजिए वीडियो का, बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है ये। और अगर आपको लगता है कि वर्ली आर्ट अच्छा बना है, आपके मन में उत्सुकता है कि आपको भी बनवाना है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, बहुत लेकिन हाँ मेहनत का काम है, मेहनत बहुत लगती है, महंगा नहीं है, महंगा केवल आपके इमोशन से जुड़े होंगे तो ही आपको लगेगा कि आप इसे बनवाना चाहिए। अगर आपको सिर्फ लग रहा है नहीं बनवाना चाहिए और आदमी को मैं पैसा नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है, आपको मैं नंबर दे देता हूँ, आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करें और बहुत ही बढ़िया डिजाइन निकल के आएगी। आप साथ साथ देखते रहो, फिर मैं आपसे बात भी करता हूँ।
दोस्तों ये है इसका पार्ट जो एक्सटेंड होता है आगे की तरफ निकल के आता है, तो ये पार्ट मैं आपको फटाफट लगा के दिखाता हूँ और आप बताना ये टेबल कैसी लगी कमेंट में। दोस्तों आपने देखा ये टेबल कैसे बन के तैयार हुई और क्या क्या इसमें खास बातें थी, आपको मैंने इसको स्ट्रेच करके भी दिखाया, ओपन करके भी दिखाया। अभी इसका साइज़ है नॉर्मली 2x4 और जब ये मैं पूरी ओपन कर देता हूँ तो 4x4 की टेबल बन जाती है। एज ए डाइनिंग टेबल भी इसको यूज़ कर सकते हैं, एज ए स्टडी टेबल भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने ओवरऑल डिज़ाइन खुद किया था, थोड़ा सा यूट्यूब का भी हेल्प लिया था और कुछ अपने तरफ से भी सोचा था। इसमें उस जो पुराना वीडियो था मैं उसमें वर्ली पेंटिंग शेयर करना चाहता था पर वो वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया था, इसलिए मैंने इस वीडियो के साथ ये चीज़ ऐड कर दी है। तो अगर आपको पसंद आता है आपको अपने घर पे करवाना, क्योंकि ये व्यक्ति जो रहता है सिलवासा शहर में रहता है, तो शायद अगर आप यूपी वगैरह से हैं या फिर आप दिल्ली से हैं तो शायद वो व्यक्ति वहाँ पर नहीं आ पाएगा। आप बात कर सकते हो, फ़ोन नंबर वहाँ पर दिया हुआ है मैंने और आपकी स्क्रीन पर अभी भी नंबर आ रहा है, तो वहाँ पर आप जाकर उनसे वहाँ पर बात करके उनसे आप बात कर सकते हो कि वो आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। लेकिन अगर आप मुंबई से हो, अहमदाबाद से हो, सूरत से हो या गुजरात के किसी हिस्से से हो या फिर महाराष्ट्र में आप नासिक वगैरह से हो तो इजीली आपके पास आके वो कर सकते हैं। मुझे इस टेबल में टाइमिंग जो लगा था वो करीब करीब एक दिन पूरा लगा था, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक का टाइम लगा था। यानी अगर वो जो भी व्यक्ति आएगा आपकी लोकेशन पर आएगा तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगेगा, तो हो सकता है उस हिसाब से एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाए। तो कॉस्ट मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ये कॉस्ट डिज़ाइन टू डिज़ाइन साइज टू साइज वेरी करती है, तो वो आप कॉस्ट जो है आप डायरेक्टली फ़ोन करके पूछ सकते हो। ऑनलाइन अगर आप जाएंगे तो ऑनलाइन भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक है। और बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताओ कैसा लगा है मुझे, तो मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी और ऐसी वीडियो बनाने के लिए। अच्छा लगा है तो अच्छा बता दो, गंदा लगा है तो गंदा बता दो, कुछ कमी लग रही है कुछ और ऐड करना है तो वो भी लिख दो, तो कमेंट जरूर कर दो। सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, ऐसी वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ, ट्रैवल संबंधित लेके आता रहता हूँ, लोकल बिल्कुल देसी अंदाज में आपका गांव से रिलेटेड मैं वीडियो लेके आऊँगा और भी लेके आता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लो, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगेगा। आगे हम लोग मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, एक लिंक बनेगा, आप अपनी बात कह पाओगे, मैं अपनी बात कह पाऊँगा। तो चलिए अब इस वीडियो के लिए इतना ही। ऑलवेज रिस्पेक्ट टू नेशन, फॉलो योर हार्ट। जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब, वो लाल बटन है ना उसको काला कर दो, सर में घंटी बजा देना, घंटी।